हेलो डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर एन पिंक ऑफ योर हेल्थ टुडे आई एम गोइंग टू कवर द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर एग्रीकल्चर सेकेंड पार्ट ऑफ़ दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर ठीक है हम उसके फैक्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इम्पोर्टेंस डिस्कस कर चुके हैं आज अब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे ठीक है और लास्ट में वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो के सुनने पे ध्यान दें पिक्चर्स पे ध्यान ना दें फिर भी मैंने पिक्चर्स काफ़ी ढूंढी उनमें काफ़ी टाइम लग जाता है तो मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ गए कि मैम पिक्चर्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है आप बुक की ही फ़ोटो डाल दें जिस पेज को आप पढ़ रहे हैं जिसको रीड करके आप एक्सप्लेन कर रहे हैं चलिए ये तो और भी इजी बात है ठीक है क्योंकि हमारा मेन फोकस तो चैप्टर को समझने पर है तो पेज नंबर फोर्टी है वहाँ से स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं कि जो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर कितने तरह का है ठीक है अब ये भी एक समझने वाली बात है कि एग्रीकल्चर कितने तरह का होता है सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चर होता है वो हम पढ़ चुके हुए हैं कि वो ढेर सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ट्रेन ट्रेन यहाँ टेरेन लिखा है टेरेन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है टेरेन टेरेन होता है टाइप ऑफ लैंड कि धरती किस तरह की है उस पर एग्रीकल्चर डिपेंड करता है कि किस तरह की उस पर क्रॉप होगी क्लाइमेट कंडीशन इकनॉमिक बैकग्राउंड होता है पैसों से रिलेटेड ठीक है जितना हम कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करते हैं लेबर इन्वेस्ट करते हैं ये सारा कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन चीज़ों पे जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है अब कहते हैं मेनली जो एग्रीकल्चर है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है एक है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर और फर्दर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर तीन तरह का है नोमेडिक शिफ्टिंग और इंटेंसिव और कमर्शियल एग्रीकल्चर चार तरह का है एक्सटेंसिव प्लांटेशन लाइफ स्टॉक एंड डेरी इसको डेयरी बोलना है डायरी नहीं ठीक है और ये फिगर जो है ये पेज नंबर फोर्टी नाइन पर आपकी बुक में दी हुई है तो इसको अब हम आगे इलेबोरेट वे में कॉम्प्रीहसिव वे में डिस्कस कर लेते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है कहते सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर अर्लीस्ट टाइप ऑफ फार्मिंग है अर्लीस्ट मीन्स बहुत पुराने तरह की फार्मिंग है और ये फार्मिंग जो है ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे की जाती है स्मॉल स्केल का मतलब है जिसमें प्रोडक्शन बहुत ही कम रखनी हो हमने पूरे देश के लिए या पूरी स्टेट के लिए नहीं उगानी क्रॉप सिर्फ अपने परिवार के लिए पर्सनल नीड के लिए क्रॉप को उगाना है या अपनी छोटी सी कम्यूनिटी के लिए अपना जो छोटा सा कस्बा है जो अपनी कोई कम्युनिटी है अपनी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं सिर्फ उन लोगों के लिए उनकी कंजप्शन के लिए कंजप्शन होता है चीज़ को कंज्यूम करना यूज़ करना तो उसको क्रॉप को यूज़ करने के लिए कम लोगों के लिए जो क्रॉप उगाई जाती है वो है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और कहते इस तरह की एग्रीकल्चर में फार्मर्स ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ़ क्रॉप्स बेस्ड ऑन द एंटीसिपेटेड नीड्स ऑफ देयर फैमिली और द कम्युनिटी अब फार्मर बहुत तरह की क्रॉप लगाता है ठीक है क्यों क्योंकि क्रॉप उसने बड़े कम लोगों के लिए लगानी है सिर्फ़ अपनी फैमिली के लिए लगानी है या अपना पूरा जो उसका एक कम्युनिटी है जो उसका ख़ानदान है जो उसकी एक थोड़ी बड़ी फैमिली है या जॉइंट फैमिली है या ट्राइब है उसके लिए लगानी है जो वहाँ पर जो कुछ लोग हैं ठीक है, है मे बी ये फैमिली के दस बारह लोग हो सकते हैं या ये उसके ट्राइब के थर्टी फोर्टी पीपल हो सकते हैं तो उनके लिए उसने वो क्रॉप लगानी है तो ऑब्वियसली जब घर में ही क्रॉप लगा के घर में ही यूज़ करनी है तो वो उसमें ढेर सारी चीज़ें लगाएगा ठीक है कि घर का एक मील बन जाए एक समय के खाने के लिए उसको तरह तरह की क्रॉप्स लगानी पड़ेंगी लेकिन वो स्मॉल स्केल पे लगाएगा और एंटीसिपेटेड नीड्स होती हैं एक्सपेक्टेड नीड्स कि फैमिली में किस किस चीज़ की नीड होगी उस नीड के अकॉर्डिंग वो जो क्रॉप्स है उसको लगाएगा ठीक है एंटीसिपेटेड मीन्स एक्सपेक्टेड अब एक फैमिली में अकेले आलू की जरूरत तो नहीं होगी कि अकेला पटेटो लगा लिया फार्मर ने ठीक है या अकेले टमेटोज लगा दिए या अकेली बीन्स लगा दी या अकेला गार्लिक लगा दिया उसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब हमने सब्ज़ी बनानी होती है तो हमें सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं थोड़ी थोड़ी ठीक है तो इन सिमिलर वे जो फार्मर है सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी स्मॉल स्केल का मतलब है थोड़ी थोड़ी अपनी फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग उसको उगा लेता है अगर और अगर उसके पास थोड़ी ज़्यादा चीज़ लग जाती है या बच जाती है एक्सेस क्रॉप हो जाती है या एक्सेस लाइव स्टॉक हो जाता है लाइव स्टॉक मैंने आपको पहले भी बोला था बताया था एनिमल्स को बोला जाता है ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है जिनसे हमें कोई फ़ायदा होता है हमें मीट मिलता है हमें मिल्क मिलता है उनकी स्किन हम सेल कर सकते हैं तो अगर उनके पास ये चीज़ें एक्सेस में होती हैं तो वो उनको बेच देते हैं ठीक है दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्टिल कॉमन इन लेस डेवलप पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स नोमैडिक हर्डिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर अब कहते हैं इस तरह का ये जो एग्रीकल्चर है इतने ज़्यादा स्मॉल स्केल का जो एग्रीकल्चर है ये आज भी दुनिया के कई हिस्सों में ये होता है वैसे तो सारे फार्मर्स जो हैं आज के टाइम में अगर देखें तो वो कमर्शियल हो चुके हैं यानी कि, कि वो साल में एक या दो ही क्रॉप्स लगाते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और फिर उनको आगे मार्केट में या गवर्नमेंट को सेल कर देते हैं लेकिन इस तरह का ये जो एग्रीकल्चर है ये अभी भी है और ये बहुत कम है और ये एग्रीकल्चर समझ में आने वाली बात है कौन करता होगा ऐसा फार्मर जिसके पास लैंड ही बहुत कम है या ना के बराबर की लैंड है कि वो सिर्फ़ अपने लिए ही कर सकता है इतनी प्रोडक्शन वो बना ही नहीं सकता कि वो किसी कंपनी को बेच दे या गवर्नमेंट को बेच दे तो वो उसी क्रॉप से अपना ही घर चला लेता है ठीक है और कहते हैं कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मैंने पहले भी बताया तीन तरह की है आगे फर्दर डिवाइडेड है डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है नोमेडिक है शिफ्टिंग है इंटेंसिव है ठीक है सबसे पहले नोमैडिक की तरफ चलते हैं नोमैडिक नाम से ही हमें समझ आ रहा है नोमैड्स कौन होते हैं वनजारे जिनको हम कहते हैं जो एक जगह नहीं रहते जो टाइम टू टाइम अपना अपने जो घर है वो बदलते हैं घर यानी कि वो टेंट्स में रहते हैं और वो अपने टेंट्स कभी एक जगह लगा लेते हैं महीना दो महीने फिर कहीं और चले गए ठीक है तो उनको हम नोमैड्स कह देते हैं ठीक है या जिप्सीज कह देते हैं उनको जहाँ फ़ूड अवेलेबल होता है वो वहाँ चले जाते हैं और ऐसे ट्राइब्स आज भी हैं ठीक है people migrate along with their animals from one place to another in search of fodder for their animals. Fodder क्या होता है चारा ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था वो अपना सारा सामान लेकर अपने एनिमल्स को लेकर ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ उनके एनिमल्स को खाने पीने के लिए कुछ मिले चारा मिले ठीक है पिक्चर में आप देख सकते हो nomadic हर्डिंग उन्होंने दिखाई हुई है पिक्चर ठीक है और उनके पास कितने सारे एनिमल्स होते हैं और उनका वो कैसे यूज़ करते हैं वो सारा इन्होंने दिया हुआ है कि किस किस कैटल होती है उनके पास शीप गोड्स कैमल यॉक फॉर मिल्क स्किन मीट वूल इन सारी चीज़ों के लिए वो इन एनिमल्स को रेयर करते हैं यानी कि उनको पालते पोसते हैं नोमैडिक हर्डिंग का मतलब है घूमते फिरते हुए पशुपालन करना ठीक है ये इस हेडिंग का मीनिंग है तो ये जो नोमैडिक हर्डिंग है ये कहाँ है ये सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया में है साउथ वेस्ट अफ्रीका में है नदरन यूरेशिया में है अब ये सारी जगह जो है ये आप गूगल करके इनकी पिक्चर्स ठीक है मैप्स देख सकते हो इन इंडिया बूटियाज एंड आर द नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ हिमालयस ये दो नोमैडिक ट्राइब्स के नाम है जो आपको लर्न होने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ठीक है ये इसका दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आफ्टर द सॉइल लूज इज फर्टिलिटी द लैंड इज एबेंड एंड द कल्टिवेटर मूव टू अ न्यू प्लॉट इसको बोल देते हैं शिफ्टिंग नाम से ही समझ आ रहा है शिफ्ट कर जाना एक जगह से दूसरी जगह कहते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो एक 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 जगह पे एक लैंड पे खेती करते हैं फिर उसमें से जो हार्वेस्ट होता है वो ले लेते हैं और फिर वो जो आ, लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी पार खत्म हो जाती है तो उस लैंड को थोड़ी देर के लिए अबेंडन करना पड़ता है उसको छोड़ दे छोड़ना पड़ता है तो वो उसको छोड़ के नए प्लॉट पर चले जाते हैं खेती करने के लिए मतलब एक लैंड से दूसरी लैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं ठीक है ताकि पहले वाली लैंड जो वो खाली पड़ी रहे थोड़ी देर के लिए ताकि उसकी फर्टिल फर्टिलिटी जो है वो वापस आ जाए उसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल्स हैं उस मिट्टी में दोबारा से आ जाएं फिर उसके दोबारा से उसके ऊपर वो क्रॉप लगाते हैं ठीक है तो एक लैंड के ऊपर क्रॉप लगाई क्रॉप को वहाँ से काटा और उस लैंड को थोड़ी देर के लिए अबेंडन कर दिया उसको छोड़ दिया खाली मीन्स एक महीने दो महीने या छः महीने के लिए उसको छोड़ दिया और अगले प्लॉट पर चले गए अगली लैंड पे चले गए और वहाँ जाके फिर क्रॉप लगा ली ठीक है इसको फिर हम कहते हैं शिफ्टिंग ठीक है अब कहते हैं कि ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो लोग करते हैं उनकी जो टूल्स और टेक्निक्स हैं वो बड़ी पुराने ज़माने की हैं ठीक है थीके? और उनको जो प्रोडक्शन चाहिए होती है उनको भी लो ही चाहिए होती है उनको भी ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा उनको क्रॉप की क्वांटिटी प्रोडक्शन मीन्स क्वान्टिटी हो गई उसकी जो क्वान्टिटी है उसकी ज़रूरत नहीं होती जो यील्ड है वो लो रहती है यील्ड का अगेन मतलब क्या है प्रोडक्शन क्वान्टिटी जो है वो लो ही रहती है और ये जो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं ठीक है इट इज़ प्रेविलेंट इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका साउथ ईस्ट एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्रेविलेंट होता है चलन होना किसी चीज़ का फैशन में होना उसको हम प्रेविलेंट कह लेते हैं यहाँ पे प्रेवलेंट का यही मतल, मतलब है चलन तो कहते हैं ये ये जो इस तरह की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है इसका कहाँ पे चलन है ये कहाँ पे चलती है कहाँ पे की जाती है तो उनकी जगहों के नाम दिए हुए हैं ट्रॉपिकल अफ्रीका है साउथ ईस्ट एशिया है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है नेक्स्ट है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते ये वो एग्रीकल्चर है जिसमें हाई आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है इसमें जो क्वांटिटी जो प्रोडक्शन फार्मर चाहता है वो बहुत ज़्यादा जाता है ठीक है कहते हैं ऑल दो द नेचर ऑफ दिस एग्रीकल्चर हैज़ चेंज इन मेनी ईयर इट इज़ नो मोर सब्सिस्टेंस स्टिल द टर्म इंटेंसिव सबसिस्टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड इन थिकली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अब कहते हैं कि ये सबसिस्टेंस uh, तो रही नहीं क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर तो वो होता है जिसमें प्रोडक्शन हमें बड़ी कम चाहिए सिर्फ अपने घर या अपने कस्बे के लिए चाहिए तो ये जो है ये तो इंटेंसिव हो गई है ये अब इसमें जो फार्मर है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चाहता है लेकिन उसके पास जो पीस ऑफ लैंड है वो तो अभी भी स्मॉल ही है छोटे से पीस ऑफ लैंड के ऊपर ही वो बहुत ज़्यादा क्रॉप लगाना चाहता है ठीक है और वो जो पीस ऑफ लैंड है वो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ठीक है स्पेशली इन मानसून रीजन्स ऑफ साउथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया ये इन्होंने जगहों के नाम दिए हुए हैं पेजेंट्स कहते हैं यहाँ पे लैंड हंगरी हैं इतने ज़्यादा लैंड हंगरी हैं कि एवरी बिट ऑफ़ टेलेबल लैंड इज़ यूटिलाइज कि जितनी भी लैंड जो टेलेबल है जिसको प्लो किया जा सकता है जिसके ऊपर हल चलाया जा सकता है वो उसका हर बिट हर एक कोना उस लैंड का यूज़ करके उसके ऊपर एग्रीकल्चर करना चाहते हैं अब क्यों करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जिसको बेच के उनको कमाई हो इसीलिए इसका नाम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है इंटेंसिव हो गया कि जिसमें हमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए सबसिस्टेंस हो गया जिसमें लैंड का पीस फिर भी उनके पास छोटा ही है देर इज इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड इसमें लैंड का जो यूज है वो बहुत इंटेंसिव है हद से ज्यादा उसका यूज किया जा रहा है मल्टीपल क्रॉपिंग की जा रही है यानी कि तरह तरह की उसके ऊपर फसल लगाई जा रही है यूज ऑफ मैनुअल लेबर मैनुअल होता है हमारी मस्कुलर जो लेबर है जो हमारे हाथों से की हुई हमारी लेबर है हाथों से किया हुआ काम है वो कहेंगे हम हाथों से किया हुआ जो काम है जो एफर्ट्स हैं खेतों में वो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन इसमें मशीन्स का यूज़ बहुत कम है मैन्योर्स का यूज़ बहुत कम है फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत कम है शायद इसलिए क्योंकि फार्मर के पास उतने पैसे नहीं हैं ठीक है ठीके? और इसमें ये सारा कुछ जो है जो नई टेक्नोलॉजी है जो नई मशीनरी है नए मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ेज बहुत कम है खुद की जो किसान की मेहनत है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन किसान कर क्या रहा है कि छोटे से पीस ऑफ लैंड के ऊपर ही ढेर सारी क्रॉप्स लगा रहा है ठीक है बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत कर रहा है वो उसको हर बिट ऑफ दैट लैंड जो है उसको यूज करना चाहता है ताकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो ठीक है ड्यूरिंग रिसेंट डिकेड्स इंटेंसिव एग्रीकल्चर हैज़ रजिस्टर्ड अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ड्यू टू मैकेनाइजेशन एंड यूज़ ऑफ इम्प्रूव सीड्स एंड फर्टिलाइजर लेकिन कहते हैं कि पिछले कुछ डिकेड में डिकेड मैंने आपको पहले भी बताया था डिकेड का मतलब होता है वन डिकेड इज इक्वल टू टेन ईयर्स दस साल के पीरियड को वन डिकेड बोलते हैं तो वो कहते पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि इस इस वाली एग्रीकल्चर में भी इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट्स आई हैं क्योंकि इसमें मशीन्स का यूज़ नई टेक्नोलॉजी का यूज़ नए तरह के सीड्स और फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है वो बढ़ गया है कंट्रीज़ लाइक चाइना इंडिया जापान मलेशिया कोरिया फिलीपींस एंड ताइवान हैव अडॉप्टेड इम्प्रूवड सिस्टम ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर ये उन सारी कंट्रीज़ के नाम हैं जिन्होंने बेहतर तरीके जो हैं एग्रीकल्चर के इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के उनको अपना लिया है ठीक है इंप्रूवड जो है वेज है उनको अपना लिया नेक्स्ट है जी हमारे पास कमर्शियल एग्रीकल्चर अब कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है कमर्शियल एग्रीकल्चर इज टिपिकली डन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल विद द पर्पज ऑफ सेलिंग द प्रोड्यूस इन द मार्केट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि कमर्शियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है किसी भी चीज़ को कमर्शलाइज कर देने का मतलब है कि हम उसमें से प्रॉफिट चाहते हैं हमने कोई वो समाज सेवा नहीं की है या परिवार की सेवा नहीं की है हमें उसमें से एक अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए तो हमने उस चीज़ को कमर्शलाइज कर दिया ठीक है तो कहते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे होती है बहुत बड़ी लैंड के ऊपर होती है उसमें से बहुत सारी प्रोडक्शन बहुत सारी क्वांटिटी ऑफ क्रॉप को निकाला जाता है और फर्दर उस क्रॉप को मार्केट में प्रॉफिट के लिए बेचा जाता है फार्मर सिलेक्ट एंड सो अ सिंगल क्रॉप अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड मार्केट कंडीशन जो फार्मर्स हैं वो एक सिंगल क्रॉप एक बहुत बड़े लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड के ऊपर लगाते हैं और किस तरह की क्रॉप लगाते हैं जैसी की जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट बैठती है ठीक है जैसी कि नेचर के अकॉर्डिंग या मार्केट में जिसकी डिमांड बहुत है उसके अकॉर्डिंग उस रीजन में खेती की जा सकती है उस तरह वाली लगाते हैं यानी जिससे उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा प्रॉफिट होगा इस तरह वाली इट इज़ अ स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ प्रैक्टिस ऑन वेरी लार्ज साइज फार्म्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रॉप स्पेशलाइजेशन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन एक्सटेंसिव प्लांटेशन लाइव स्टॉक एंड डेयरी फार्मिंग ठीक है अब कहते हैं कि ये इस ये ऐसी ऐसा एग्रीकल्चर है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए किया जाता है इसको क्रॉप स्पेशलाइजेशन भी बोला जाता है ये इसका दूसरा नाम है ठीक है और बहुत लार्ज यू नो साइज़ ऑफ लैंड के ऊपर इसको किया जाता है और फर्दर ये जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है ये चार तरह की है एक्सटेंसिव प्लांटेशन लाइफ स्टॉक एंड डेयरी अब इसमें से हम एक्सटेंसिव पढ़ते हैं इट इज़ प्रैक्टिस इन डेवलप कंट्रीज सच एज़ ऑस्ट्रेलिया कैनेडा रशिया एंड यू एस ए तो कहते हैं कि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इन चार कंट्रीज़ में या डेवलप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट है प्रचलित है सबसे ज़्यादा वहाँ पे की जाती है एग्रीकल्चर इज डन ऑन अ लार्ज स्केल ऑन बिग एंड लैंड होल्डिंग्स बाय यूजिंग मॉडर्न मशीन्स इट इज़ जनरली प्रैक्टिस इन स्पार्सली पॉपुलेटेड रिजन वेयर लैंड इज अवेलेबल इन अबंडेंस एंड द इनपुट ऑफ द लेबर इज़ लेस ठीक है बहुत लार्ज स्केल पर की जाती है हमने पहले भी पढ़ लिया ऐसी जगहों पर की जाती है जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम हो रेजिडेंस कम हो और ज़मीन ज़्यादा हो अबंडेंस में हो यानी जमीन बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो और वहाँ पे इनपुट ऑफ लेबर लेस हो लेबर जो है उसका यूज़ ज़्यादा ना करना पड़े ठीक है टोटल प्रोडक्शन इज लार्ज बट पर हेक्टेयर यील्ड इज़ कंपैरेटिवली लेस। फार्मर्स मोस्टली रेज वन और टू क्रॉप्स अ ईयर फॉर मार्केट मार्केटिंग ठीक है कहते टोटल प्रोडक्शन जो होती है जितनी भी उसने फसल लगाई होती है उसकी टोटल प्रोडक्शन टोटल क्वांटिटी तो बहुत सारी निकलती है लेकिन पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी कम होती है वो उतनी चाहे ना हो पर हेक्टेयर लेकिन जो टोटल प्रोडक्शन है टोटल क्वांटिटी है वो बहुत सारी निकलती है ठीक है अब पर हेक्टेयर अगर कम भी निकलती है तो फार्मर को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में जो उनके पास लैंड है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो पूरी लैंड के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रोडक्शन है उसको दिमाग में लेके चलते हैं कि उनको उससे क्या फ़ायदा होगा एंड फार्मर मोस्टली रेज और पूरे पूरे साल में फार्मर सिर्फ एक या दो ही क्रॉप लगाते हैं इतने बड़ी लैंड के ऊपर ताकि उसको मार्केट में वो अच्छे रेट्स पे बेच सकें और अच्छा जो प्रॉफिट है उससे हो सके ठीक है ढेर सारी क्रॉप्स नहीं लगाते हैं कॉर्न ओट्स व्हीट ऑयल सीड्स आर द मेन क्रॉप्स ऑफ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द ईल्ड अब कहते हैं कि जो मेन क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं कॉर्न है मकई है ओट्स है ठीक है आजकल ओट्स आप सबको मालूम है क्या है मार्केट में बहुत मिलते हैं व्हीट है ऑयल सीड्स है इस तरह की जो फसल है उनकी खेती जो है फॉरेन कंट्रीज में एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के अंडर की जाती है और उसके बाद इन सारी फसल को जब हार्वेस्ट कर लिया जाता है उनकी कटिंग हो जाती है उनको हार्वेस्ट करने के बाद उनको प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ उन लोगों के पास अवेलेबल होती हैं ठीक है ये तो हम लोगों को वैसे भी मालूम है कि फॉरेन कंट्रीज़ में हर चीज़ की फ़ैसिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने उसकी जो स्टोरेज की फ़ैसिलिटी भी है इस वो बहुत अच्छी रखी हुई है क्यों क्योंकि जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी और फसल को अनाज को हमें स्टोर करके रखना होगा तो हम ये तो नहीं ना चाहेंगे कि स्टोर किया तो वो थोड़े समय में ख़राब हो गया जिसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत होती है एक तो इंडिया में गर्म टेम्परेचर है तो उस वजह से जो बहुत सारी फसल है वो खराब हो जाती है तो की हुई मेहनत सारी पानी हो जाती है तो फॉरेन कंट्रीज़ में उन्होंने जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं इतनी अच्छी रखी हुई हैं कि बहुत लंबे टाइम तक भी जो उनकी जो क्रॉप है हार्वेस्टिंग के बाद ठीक है जो फसल उनके पास आती है जिसको उन्होंने मार्केट में बेचना है वो उसको बहुत अच्छे से स्टोर करके रख पाते हैं वो उसको स्पॉयल नहीं होने देते ठीक है वैन एनिमल्स आर रियर एलॉन्ग विद द कल्टिवेशन ऑफ लैंड इट इज़ नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग बोथ फूड क्रॉप एंड फॉडर आर कल्टिवेटेड कहते जब एनिमल्स का भी पालन पोषण किया जाता है और साथ के साथ लैंड पे विद द कल्टीवेशन ऑफ लैंड लैंड पे भी जो एग्रीकल्चर है उसको किया जाता है उसको मिक्स फार्मिंग बोलते हैं दोनों चीजें हो रही हैं लाइफ स्टॉक को भी देखा जा रहा है और लैंड पे भी एग्रीकल्चर किया जा रहा है उसको मिक्स फार्मिंग बोल देते हैं तो बहुत फूड क्रॉप्स एंड फॉर्डर आर कल्टिवेटेड अब उसमें फ़ायदा क्या होता है कि फ़ूड की अपने फूड के लिए तो हम क्रॉप लगा ही रहे हैं लेकिन उसी क्रॉप में से हम जो एनिमल्स को रेयर कर रहे हैं उनके लिए फॉर्डर यानी कि चारा भी निकाल रहे हैं उनके खाने पीने का भी वहीं से हम इंतज़ाम कर रहे हैं कहते इस अब कहते इससे होता क्या है कि जो फार्मर है उसकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है और ये कौन सी कंट्रीज में कॉमन है उसके नाम दिए हुए हैं अर्जेंटीना ईस्टर्न यू एस ए न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडिया साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न यूरोप नेक्स्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्लांटेशन इज़ अ लार्ज फार्म फॉर इस और इस्टेट यूजली इन अ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल इन डिस्टेंस मार्केट रादर देन लोकल कंजप्शन अब कहते हैं प्लानेशन जो है वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे बहुत बड़ी पीस ऑफ लैंड के ऊपर इसको भी किया जाता है यूजली कहाँ पर ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में किया जाता है ट्रॉपिकल हमने पहले भी पढ़ा था ऐसे एरियाज़ होते हैं जो वेट एंड ह्यूमिड होते हैं ठीक है वहाँ पर ये प्लांटेशन बहुत बड़े लेवल पे की जाती है पिक्चर में इन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है टी प्लांटेशन की ठीक है इंडिया में भी होती है टी प्लांटेशन उसकी इन्होंने एग्जांपल दे रखी है और कहते हैं कि ये जो प्लांटेशन सिस्टम होता है ये बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये गवर्नमेंट के अंडर होता है और इसमें वेर एन अ सिंगल क्रॉप फार्मिंग इज़ डन और इसमें सिंगल क्रॉप जो है उसको लगाया जाता है और उसको दूर दूर की मार्केट्स में बेचने के लिए लगाया जाता है और उसकी जो एक क्वालिटी है उसको बहुत सुपीरियर रखा जाता है ना सिर्फ क्वालिटी को सुपीरियर रखा जाता है बल्कि क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें चाहते हैं फार्मर जो है कि जो यील्ड है बहुत ज़्यादा हो क्यों हो क्योंकि इसको बहुत डिस्टेंस मार्केट में बेचा जाता है यानी कि आ, सिर्फ ये नहीं कि लोकल मार्केट में यानी कि अगर टी प्लांटेशन हो रही है तो वो ये नहीं कि वो सिर्फ असम में उसको बेचना है या सिर्फ इंडिया में बेचना है इंडिया की जो टी है वो फॉरेन कंट्रीज में भी जाती है ठीक है तो हमने इसको डिस्टेंस लैंड पे बेचने के लिए इसको बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड पे लगाते हैं प्लस इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही सुपीरियर रखते हैं अब कहते हैं सालों सालों तक इतने बड़े फार्म्स के ऊपर सिर्फ़ एक ही तरह की क्रॉप लगाई जाती है एक ही तरह की क्रॉप से बेनिफिट लिया जाता है फिर एग्जांपल इसमें वही है असम वाले की वहाँ पे टी प्लांटेशन ही की जाती है उसके अलावा किसी और चीज़ की प्लांटेशन नहीं की जाती और उसी से सारा बेनिफिट जो है वो लिया जाता है फार्मर भी लेता है काम करने वाले भी लेते हैं फर्दर गवर्नमेंट भी लेती है लेकिन कहते हैं ये फार्मिंग करने से पहले इसमें बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगाना पड़ता है बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है इसमें साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग जो है यूज़ करने पड़ते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए ठीक है एंड स्किल्ड बट लो कॉस्ट लेबर चाहिए इन लार्ज नंबर बहुत लेबर चाहिए आपने देखा होगा पिक्चर में भी ये विजिबल है मूवीज़ में आपने देखा होगा कितनी लेबर टी प्लांटेशन में के फार्म्स में लगी होती है और वो पत्तियाँ तोड़ तोड़ के अपनी बास्केट में डाल रहे होते हैं तो ढेर सारी लेबर की ज़रूरत होती है लेकिन ऐसी लेबर जो कम पैसों पर मिल जाए और कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर ये मैंने आपको पहले भी बता दिया ट्रॉपिकल रीजन में की जाती है जहां पे वेदर हॉट एंड ह्यूमिड हो ठीक है क्लाइमेट कंडीशंस इस तरह की हो इट इंक्लूड्स क्रॉप्स लाइक कॉफी रबर एंड टी मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग वर्क इज डन एट द प्लांटेशन साइट इट ठीक है तो इन्होंने एग्जाम्पल्स दे दिए हैं ज़्यादा कौन सी हैं कॉफ़ी रबर और टी है और ज़्यादा इसकी प्रोसेसिंग का काम प्रोसेसिंग होता है कि जो फसल है उसको फर्दर आगे चेंज करके फ़ाइनल प्रोडक्ट बन बनाना उसका तो उसका फ़ाइनल प्रोडक्ट उसको बनाना यानी पत्तियों को चाय पत्ती में कन्वर्ट करना ये सारा कुछ वहीं पर किया जाता है फार्म में ही किया जाता है फार्म के साथ ही वो फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर ये सारा काम होता है और वहाँ पर भी लेबर और मशीनरी एम्प्लॉय की जाती है तीसरा है लाइव स्टॉक रेंचिंग लाइव स्टॉक रेंचिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स को रियर करना एनिमल्स का पालन पोषण करना और फर्दर उन एनिमल्स को बेच देना ठीक है या उनको अपने यूज़ के लिए यूज़ कर लेना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ कमर्शियल एग्रीकल्चर ये भी कमर्शियल एग्रीकल्चर का पार्ट है क्योंकि एनिमल्स का पहले पालन पोषण करते हैं हम उनके फार्म्स बनाते हैं और फिर उनको फर्दर आगे बेच देते हैं मार्केट में इट इज़ द कमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ फार्म एनिमल्स ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया इट इज़ मोस्टली अडेप्टेड इन एरिड और सेमी एरिड टेम्परेट रीजन वेयर द सॉइल इज टू पुअर टू स्पोर्ट क्रॉप एंड द पॉपुलेशन इज पास अब कहते हैं कि ये जो फार्म ये भी एक तरह की खेती ही है ठीक है जो हम एनिमल्स की खेती करते हैं ये भी एक तरह की खेती है ये भी एक्सटेंसिव एरिया यानी बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है इन एनिमल्स को रियर करने के लिए और इट इज़ मोस्टली अडेप्टड इनको ये कहाँ इसको अडेप्टँ करते हैं ये एनिमल्स या अडेप्ट वैसे मतलब होता है एडजस्ट करना तो ये इस तरह का जो एनिमल रेयरिंग है लाइफ स्टॉक वाला वो कहाँ हो सकता है जहाँ पे क्लाइमेट हॉट हो या सेमी हॉट हो एरिड हो टेम्परेट रीजनस हो मॉडरेट क्लाइमेट हो मतलब बहुत ठंड ना पड़ती हो बहुत ज़्यादा गर्मी ना पड़ती हो मॉडरेट टेम्परेचर जहाँ हो वहाँ पे ये लाइव स्टॉकिंग का काम जो है वो किया जाता है और स्पेशली वहाँ भी किया जाता है जहाँ पे सॉयल अच्छा ना हो जहाँ पे नॉर्मल लैंड कल्टीवेशन या नॉर्मल खेती करने के कोई चांसेस ना हो, पॉपुलेशन बहुत स्पार्स यानी कि कम हो वहाँ पे ये जो एनिमल्स हैं इनकी रेयरिंग की जा सकती है दिस एक्टिविटी इज कॉमन टू द ग्रास लैंड ऑफ अमेरिका साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ठीक है जिन एरियाज़ में ये का किया जाता है उनके नाम दिए हुए हैं द रेंचेज आर यूजली फेंसड विद बाब डायर रेंचेज का मतलब है फार्म्स जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है फेंसड विद बाब्ड वायर फेंसड होता है कि किसी एक जगह को हम एक वायर के साथ उसकी जो चारदीवारी कर देना उसकी मतलब दीवार ना करना उसकी फेंसिंग कर देना ठीक है यानी कि बाब्ड होती है कांटों वाली जो वायर होती है जो हाथों में वायर चुभ जाती है आपने कई बार देखा होगा कि लोग अपने गार्डन के आसपास इस तरह की वायर लगा देते हैं ताकि कोई गार्डन के अंदर ना आ सके तो वो जो किसी भी एरिया को एनक्लोज कर देना उसके आसपास वायर लगा देना उसको फेंसिंग करना कहते हैं और वो बाब्ड वायर होती है कांटों वाली तो कहते हैं इस तरह की वो वायर लगा देते हैं रेंचेस पे यानी कि एनिमल्स के फार्म्स के ऊपर ठीक है ताकि एनिमल्स बाहर ना जा सकें फाइन या कोई बाहर से उसमें अंदर आके एनिमल्स को जो वह है वहाँ से स्टील ना कर सके द मेजर टाइप्स ऑफ लाइफ स्टॉक्स आर ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लाइफ स्टॉक में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं और उनसे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और उनको चीफली एक्सपोर्टेड टू द डिफरेंट और ये एनिमल्स को सिर्फ लोकल मार्केट में या अपनी ही कंट्री के अंदर नहीं बेचा जाता है। इनको फॉरेन कंट्रीज में भी बेचा जाता है नेक्स्ट इज़ डेयरी फार्मिंग डेयरी फार्मिंग के बारे में तो हम सबको ऑलरेडी मालूम है इंडिया में डेरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा है ठीक है क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ हम खाते ही बहुत है कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं इट इज़ स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी वर्ल्ड वाइड इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर एंड न्यूजीलैंड इज द लार्जेस्ट काओ मिल्क एक्सपोर्टर ठीक है इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है कि मिल्क है जिस जिसको इन्होंने मेन बताया कि डेयरी फार्मिंग का जो पार्ट है ऑब्वियसली उसमें उन एनिमल्स को रियर किया जाता है जिनसे कि हम वो मिल्क लेते हैं और उस मिल्क को कंज्यूम करते हैं उसमें इंडिया जो है लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है और न्यूजीलैंड जो है वो लार्जेस्ट काओ मिल्क एक्सपोर्टर है मतलब बेचता है न्यूजीलैंड बाकी कंट्रीज़ को इसके बाद का जो चैप्टर है मेजर क्रॉप्स वाला उसमें मेरे समझाने वाला कुछ नहीं है हर एक क्रॉप का सॉयल टाइप टेम्परेचर रेनफॉल एरियाज़ वगैरह ये सब दिया है आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा तो इसलिए ये वाले पेजेस में इसमें से स्किप कर रही हूँ हम सीधा पहुँच रहे हैं पेज नंबर फिफ्टी नाइन पे जिसमें मेन पढ़ने वाली चीज़ है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट Food is essential for the growth of all human beings. With the growth of population in the world, the demand of food has also increased. Earlier, people had surplus food because the population was less and the production, and then the production. With the passage of time, population explosion has increased the pressure on the land to produce more food. This situation compelled the people to develop new techniques of agriculture so that the productivity could increase. Very easy line, lines. You population तोल फार्मर जो है वो प्रोडक्शन भी कम ही रखता था लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है यानी कि एक्सप्लोजन का वैसे तो मतलब होता है किसी बॉम्ब वग़ैरह का फट जाना लेकिन इतनी ज़्यादा कहते कुछ ही समय में पिछले कुछ ही डिकेड्स में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है स्पेशली हमारी कंट्री में तो तो उसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ी है क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा नीड्स होंगी तो उसकी वजह से बहुत सारी न्यू टेक्निक्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में यूज़ की जा रही हैं ताकि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए द फार्मर स्टार्ट यूजिंग एच वाई वी देट इज हाईिंग वेराइटी ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स ठीक है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि फार्मर जो हैं बहुत बढ़िया है क्वालिटी के सीड्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ये सब उन्होंने अपने खेतों में यूज करना शुरू कर दिया है और मॉडर्न इक्विपमेंट्स इक्विपमेंट्स होती हैं कोई भी ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ को फैसिलिटेट करती हैं उसको हम इक्विपमेंट्स कह देते हैं यहाँ पे आप इक्विपमेंट्स ट्रैक्टर्स को हार्वेस्टिंग मशीनस को थ्रेशर्स को इन सब को बोल सकते हो ठीक है जैसे कि अगर एक क्लासरूम है तो क्लासरूम क्लासरूम कैसे लगेगा जब उसमें क्लासरूम वाले इक्विपमेंट्स हो, होंगे उसमें डेस्क होंगे उसमें लेक्चर स्टैंड होगा उसमें ब्लैक बोर्ड होगा उसमें स्मार्ट बोर्ड होगा आज के टाइम में ठीक है तो वो हम कह देंगे कि क्लासरूम इक्विप्ड है जो चीज़ें क्लासरूम को क्लासरूम बनाने के लिए चाहिए वो उसमें है इन अ सिमिलर वे एग्रीकल्चर को चलाने के लिए जो भी मशीनरी चाहिए उनको हम इक्विपमेंट्स बोल देंगे सम कंट्रीज हैव डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स थ्रू बायोटेक्नोलॉजी कहते कुछ कंट्रीज़ ने कुछ ऐसी क्रॉप्स को नई तरह की क्रॉप्स उगाने की कोशिश की है कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉडिफाइड होता है चेंज कर देना जेनेटिकली है कि उसके जीन्स ही चेंज कर देना ठीक है इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ मतलब ये मैंने स्कूल में सुनी थी कि जैसे एक रेड कलर का रोज़ है तो उस रेड कलर के रोज में किसी किसी और कलर के रोज़ की स्टेम को फ़िक्स कर देते हैं तो उसमें जो रोज़ का जो कलर है वो चेंज हो जाता है मतलब थोड़े दिन बाद उसमें कोई और रोज लगता है जो कि पिंक कलर का लगता है वाइट और रेड के मिक्सचर की वजह से तो ये हो गया कि हमने किसी प्लांट के जीन्स को चेंज कर दिया उसको मॉडिफाई कर दिया थ्रू साइंटिफिक यू नो टेक्नोलॉजी जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी कह देते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायो प्रोसेस इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेडिसन इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं वो लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया एंड ईलि ये सारी चीज़ें यूज करते हैं बायो प्रोसेसिज यूज़ करते हैं ठीक है बायो वर्ड इज रिलेटेड टू लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी लाइफ है जो हमारी बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उस उस उससे रिलेटेड है ये वर्ड बायो ठीक है तो मतलब बॉडी की स्टडी है एक तरह की सिर्फ इंसान की नहीं हर लिविंग क्रिएचर की बॉडी की जो स्टडी है वहाँ से ये वर्ड है बायो तो कहते कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए इंजीनियरिंग हो गई टेक्नोलॉजी हो गई मेडिसिन हो गई साइंटिफिक मेथड्स हो गए इनको यूज़ करके क्या किया कि एक कोई और तरह की क्रॉप ली और एक कोई और तरह की क्रॉप ली या एक ही तरह की क्रॉप ली लेकिन उनके जीन्स में फ़र्क है और उन दोनों क्रॉप्स को आपस में मिक्स करके कोई थर्ड तरह की क्रॉप उगा दी इसको कह देते हैं ठीक है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जेनेटिकली किसी क्रॉप को मॉडिफाई कर देना ठीक है जो कि साइंटिस्ट जो है आजकल कर रहे हैं ठीक है अब कहते हैं इस चीज़ में इट आल्सो कवर्स जेनेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग सेल टिश्यू कल्चर कल्चरल टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एसेट्रा इसमें ये सारा कुछ आ जाता है सेल्स टिश्यूज़ कल्चरल टेक्नोलॉजीज जो ड्रग्स है जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट है एक्सेट्रा ये सारा ही बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है और किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन को हाई करने के लिए जो ये एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट होते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं ये लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं एक प्लांट की जींस को दूसरे प्लांट की जीन्स के साथ मिक्स करना ताकि उनके प्रोडक्शन में देखा जाए कि डेवलपमेंट होती है कि नहीं एनहेंस होती है कि नहीं इंक्रीज़ होती है कि नहीं प्रोडक्शन ये इस तरह के सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ये भी देखने के लिए कि जो क्रॉप है उसका फ़्लेवर बढ़ता है कि नहीं उसके कलर में चेंजेस आते हैं कि नहीं तो इस तरह से ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंडर लेकिन ये बहुत लिमिटेड है ऐसा नहीं कि ये पूरी दुनिया में हो रहा है ये अभी सिर्फ़ जो साइंटिस्ट हैं उनको कर करके देख रहे देख ही रहे हैं बहुत हाई लेवल पे ये नहीं हो रहा ठीक है साइंटिस्ट बिलीव दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन हेल्प द एन्वायरमेंट बाय रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पेस्टिसाइड्स क्रिटिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर वर्ड अबाउट द एडवर्स इफेक्ट अब कहते हैं एक साइड पे जो साइंटिस्ट हैं जो इसके फेवर में हैं वो तो कह रहे हैं कि अगर हम मॉडिफाई क्रॉप्स लगाएंगे तो उससे पेस्टिसाइड्स जो हैं उनका यूसेज बहुत कम होगा और क्रॉप अच्छी होगी लेकिन जो इसके अगेंस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके बहुत एडवर्स यानी ख़राब इफेक्ट्स निकलेंगे हम नेचर के उलट जाने की कोशिश कर रहे हैं नेचर ने जो क्रॉप दी है वही ठीक है हमें उसको जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं करना चाहिए ठीक है इन डेवलपिंग कंट्री ये पैराग्राफ भी काफ़ी इजी है कहते कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया है पाकिस्तान है ठीक है इन कंट्रीज़ में क्या है कि जो मैनुअल लेबर है जो इंसान इंसान हैं जो खेतों में काम करते हैं ज़्यादा वही काम करते हैं मैनुअल हो गया हाथों से किया हुआ जो हमारी लेबर है एफर्ट्स है वो ज्यादा करते हैं लेकिन जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके पास मशीन बहुत ज़्यादा हैं ये तो हम सबको मालूम ही है ठीक है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है वो किस चीज़ में एंगेज है एग्रीकल्चर में और उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ मीन्स एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ वो एंगेज हैं वो उनका वो उनसे रिलेटेड काम करते हैं लेकिन जो पॉपुलेशन डेवलप कंट्रीज़ की है वहाँ पे ऐसा नहीं है वहाँ पे मिनिमम लोग हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं उनके ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई नहीं है ठीक है लास्ट पेज नंबर सिक्सटी के ऊपर आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने कंपेयर किया हुआ है अ फार्म इन यू एस एंड फार्म इन इंडिया अब जो यूएसए में फार्म है वो होगा एक्सटेंसिव और जो इंडिया में फार्म है उसको हम काउंट करेंगे इंटेंसिव तो आप इसमें देख लेना दोनों का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है तो ये पढ़ के आपको एक बार में समझ आ जाएगा ठीक है यहाँ पे ये चैप्टर खत्म है मेरा आज का दिन बहुत ही हैक्टिक था मेरी ट्रेनिंग भी थी और बहुत कुछ था बड़ा प्रोडक्टिव डे था अगर मैं इसको पॉजिटिव में बोलूँ और बड़ी मुश्किल से मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया वो भी इसलिए क्योंकि सुबह से एक बच्ची का मुझे बार बार मैसेज आ रहा है मैम मेरा कल टेस्ट है इस चैप्टर का इसको आज ही कंप्लीट कर दो तो बीच में वीडियो में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मैं फंबल कर रही हूँ एक्चुअली वो फंबल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इतना बोलते वक्त मुझे सांस चढ़ रही है आई एम पेंटिंग वेरी बैडली आई एम पेंटिंग सो दैट्स वाई सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट ठीक है होपफुली आपको समझ आ गया चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी मिलेंगे टिल देन टेक केयर बाय बाय